फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल तो कैसे है आप सब लोग आई होप आप सब अच्छे से हैं सेफ है तो टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का जो ये वीडियो है इट्स अबाउट माई मास्टर बेडरूम टूअर सो आई वॉज प्लानिंग टू डू अउस टूअर बट यू नो पीछे मेरे हाउस की हालत अभी इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्लीनिंग सो आई थॉट हाउस टूर आई विल बी डूइंग लेटर विद यू गाइस तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ मास्टर बेडरूम टूर से सो आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड दैट एंड आई विल बी नाउ शोइंग यू हाउ इट इज एंड हाउ आई हैव डन द डेकोर बहुत ही सिंपल डेकोर है उसका एंड अवर इज अ डुप्लेक्स हाउस तो यहां से ये स्टेयर्स जो है वो ऊपर जाती हैं एंड बोथ द बेडरूम्स आर अप तो चलिए सो दिस इज द स्टेयर्स ऑफ अवर हाउस एंड जब हम यहाँ से ऊपर आते हैं तो यहाँ पे दो बेडरूम आते हैं वन इज दिस साइड दिस वन इज अवर मास्टर बेडरूम एंड ये जो दिस साइड वाला uh, है दिस वन इज द ऑफिस रूम और इसके साथ में ही अटैच वॉशरूम है तो जो वॉशरूम है वो दोनों रूम्स के साथ में अटैच्ड है so let's start with the master bedroom tour and uh, this video is about mostly master bedroom tour only i'm going to share with you my master bedroom so this is uh, from where we enter see we have entered from here and uh, this is the room i will give you a full look of the room okay so there there is a big window that side एंड दीज आर द हाउसेज नियर बाय आप लोग देख सकते हैं सो यहाँ पे हाउसेस बहुत ज्यादा क्लोज अप्रोक्सीमेटी में है एंड दिस इज अवर रॉकिंग चेयर तो जब भी कभी शाम को हम लोगों को यहां बैठना होता है तो वी यूज दिस चेयर टू सिट एंड ये जो इसमें पीछे है ये थ्रो रहता है इसे यहाँ पे थ्रो बोलते हैं तो ये जैसे पतला फ्लीस का ब्लैंकेट है ये इस तरीके का होता है सो so दैट आपको नॉर्मल ब्लैंकेट यहां लेने की जरूरत नहीं है ये वार्म इनफ रहता है बैठने के लिए तो यू कैन यूज दिस वन और ये देखिए तो ने स्टिकर्स लगाए हैं नॉर्मली ये जो चेयर है वो यहां पे इस जगह पे रहती है बट सिंस अभी मुझे चलने की प्रॉपर जगह मिल जाए तो मैंने इसे वहां शिफ्ट कर दिया एंड ये जो एम्प्टी कॉर्नर है नॉर्मली हम बेडिंग वगैरह जब भी फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे साइड पे रख देते हैं क्योंकि आ, अल्मीरा तो ये वाली जो है ये मैं और स्माइली दोनों यूज करते हैं तो ये इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है ये अलमीरा की इसमें सभी सामान आ सके एंड नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द बेडरूम साइड दिस साइड सो यहाँ पे आ, बिल्कुल बेसिक हम लोगों ने डेकोरेट किया है तो ये जो भी ऑस्ट्रेलियन बेसिक होम रहते हैं उसमें ये देखिए इस तरीके से बेड के साथ में दो साइड स्टूल रहेंगे और इनके ऊपर एक एक लैम्प शेड रहता है ये थोड़ी सी कुछ डेकोरेशन है और एक नाइट लैम्प हमने रखा हुआ है एंड दिस इज अवर बेड सो यहाँ पे जो भी बेडरूम्स नॉर्मली आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में वो इसी तरीके से इसी पैटर्न से जो है लोग उन्हें फोल्ड करते हैं सभी चीजों को इसके ऊपर एक थ्रो रहता है नॉर्मली हमेशा ही क्योंकि इसका भी वही रीजन है अगर आपको दिन में बेड बैट पे बैठना है तो आपको ब्लैंकेट ओपन करने की जरूरत नहीं है आप थ्रो लेकर ही बैठ सकते हैं ओके एंड नेक्स्ट पार्ट इज ये जो भी बेडशीट्स वगैरह यहां पे आती हैं नॉर्मली प्लेन uh, बेडशीट्स रहती हैं और उसके साथ में ये इस तरीके के जैसे ये क्विल्ट कवर है और इसके पिलो कवर्स आते हैं तो ये सेट रहता है एक इस तरीके का सो so, नॉर्मली uh, लोग जो है वो नीचे प्लेन बेडशीट्स यूज करते हैं एंड जो प्रिंटेड है वो ऊपर जो ये लेने वाला रहता है आपका uh, क्वेल्ट रहता है उसका कवर जो है उसको प्रिंटेड यूज करते हैं और ये देखिए मैं आपको यहां दिखाती हूँ ये जो गद्दा है इसकी विथ देखिए आप इसकी विथ कितनी ज्यादा रहती है तो ये जो इंडिया में गद्दे आते हैं उससे काफी ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट डबल ही विथ रहती है इन गद्दों की तो जो भी हम इंडिया से बेडशीट्स लाते हैं नॉर्मली अगर तो वो सुपर किंग साइज की हैं तो ही इसमें आती हैं नहीं तो वो हम इस पर यूज नहीं कर पाते हैं और ये मेरे साइड का आ, स्टूल है तो इसपे मैंने ये थोड़ा सा एक फ्लावर पॉट लगाया है एंड जस्ट एक टी लाइट कैंडल होल्डर है ये एक फ्रेगरेंस एशे है एंड देर इज अ टेबल लैम्प और यहाँ पे ये मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की है बर्टरफ्लाईज की है, एक ड्रीम क्रैचर की और वैसे मुझे मिडल में भी यहाँ कुछ लगाना था बट देन दे टोल्ड कि ओनर का परमिशन लेना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे कुछ भी होल uh, करना है डिक करना है कील uh, लगाने के लिए सो वी डस्ट ड्रॉप दैट आइडिया कि ठीक है दैट्स फाइन सो दिस इज द ओवरऑल लुक ऑफ दिस बेडरूम और या यहाँ पे देखिए ये पर्दे नहीं होते हैं कर्टन्स नहीं है यहाँ पे तो ये रोलर ब्राइंड रहते हैं तो ये ब्लाइंड्स को हम लोग ऊपर नीचे देखिए इस तरीके से कर सकते हैं सो so, ये वाला जो ब्लाइंड रहता है ये देखिए, ये एक शेयर कर्टन जैसा है जैसा कि इंडिया में वो व्हाइट शेयर कर्टन आते हैं देखिए। तो आप अगर ये वाला ब्लाइंड करते हैं नीचे तो बाहर से अंदर लोग नहीं देख सकते बट हाँ आप अंदर से बाहर देख सकते हैं और एक दूसरा वाला ब्लाइंड रहता है ये डबल ब्लाइंड है तो दैट ब्लाइंड इज लाइक फुल ब्लॉकआउट ब्लाइंड तो ये देखिए ये जैसे इंडिया में ब्लॉकआउट कर्टन्स आते हैं डार्क तो ये वैसा है मैं आपको दिखाती हूं ये देखिए इससे पूरे बेडरूम की जो लाइट है वो फुल रुक जाती है Yes, तो जैसे दिन में किसी को रेस्ट करना है तो वो इस वाले ब्लाइंड्स को यूज कर सकता है और लाइट ब्लॉक हो जाती है देखिए काफी कम लाइट आती है इससे बेडरूम में और नॉर्मली यहाँ पे ये जो लाइट्स रहती है वो भी कम ही होती है ज्यादा वो लाइट डिस्पर्स करने वाली नहीं रहती है और यहाँ पे ये देखिये ये कूलिंग यूनिट है सो so इसमें से ये सेंट्रली कूलिंग रहती है हर बेडरूम में रहेगी तो सिंस ये डुप्लेक्स है तो सिर्फ बेडरूम्स में ही है नीचे ड्राॅइंग रूम में वेंट नहीं है तो यहाँ पे ये कूलिंग यूनिट रहता है सेंट्रल और ये हीटिंग यूनिट है तो जब भी सर्दी रहेगी तो आप सेंट्रली जो हीटिंग है वो नीचे भी है ड्राइंग रूम में लिविंग एरिया में और बेडरूम्स में भी है सो so, दोनों कर्टन मैंने वापस से ऊपर कर दिए हैं तो अभी बेडरूम में एकदम से अच्छे से फिर से लाइट आ रही है तो ये काफी ज्यादा अच्छा विंडो का कंसेप्ट रहता है ओपन विंडो का तो काफी अच्छी लाइट आती रहती है दिन में और नॉर्मली हमारे इस वाले बेडरूम में लाइट ही आती है धूप नहीं आती है बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन और ये इसमें साथ में अटैच वॉशरूम है तो ये जो वॉशरूम है हम लोगों का ये उस रूम से भी अटैच्ड है और इस वाले रूम से भी अटैच्ड है और अगर आपका घर बड़ा रहता है तो जो अलमीरा है वो इस तरीके की नहीं होती है वो वॉक इन सूट रहता है ओपन अलमीरा होती है आप उसमें वॉक कर सकते हैं और साइड पे कपड़े टंगे रहते हैं बट सिंस ये स्मॉल यूनिट है टू बेडरूम का तो इसमें ये इस तरीके से है सो आई होप आपको ये बेडरूम टूअर पसंद आया होगा एंड शॉर्टली आई विल बी डूइंग अ किचन टूर ऑल्सो विथ यू एंड देन अ होम टूअर सो कमेंट्स में लिखेगा अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन होते हैं एंड दिस इज जनरली द एवरेज ऑस्ट्रेलियन हाउस इज बेडरूम हाउ दे आर बींग मेड एंड कैप्ड तो डू राइट इन दर कमेंट्स दैट